गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज फ्राइडे है और अनन्या को स्कूल को है छुट्टी, बिकॉज आज लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ है, तो स्टाफ मीटिंग होती है उनके स्कूल में, तो बच्चों को छुट्टी दिया जाता है, तो इसलिए आज वो काफ़ी कुछ हेल्प कर रही है यहाँ पे अज्जी को काम करके। ये इधर ऊपर रखने का, ये भी इधर रख साइड में, थैंक यू। हाँ बस, रुक वन सेकेंड, क्लोज करते हैं दोनों। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है कांदे पोहे और इसमें थोड़ा सा रहेगा शिमदाना, पीनट्स, मूंगफली, ऑल द पॉसिबल लैंग्वेजेस में जो भी नेम है इसका, ग्राउंडनट सब कुछ। सो पहले थोड़ा ग्राउंडनट को फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ हेल्प कर रही है और चेंज नहीं तो कुछ बढ़ाने का काम करती है घर जी का, उसका थोड़ा शॉर्टर लग रही है आज, ज़्यादा सुबह से चिक 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 नहीं है। तो यहाँ पे पीनट्स फ्राई करते हैं एंड लगते हैं काम पे, ब्रेकफास्ट बनाते हैं पोहे एंड मैं भी ऑफिस के काम पे लगती हूँ। अनन्या का नहा के सब हो गया है, आज हेयर वॉश डे था, बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो गया था उसका, क्योंकि दो वीक मैंने उसके बाल धोए नहीं थे, डेढ़ वीक कुछ मिनिमम, आई थिंक दो वीक मैंने बाल नहीं धोए, बिकॉज उसको बहुत बुखार था एंड ऑल दैट, तो अब फाइनली इट वॉज टाइम टू बी वॉश्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अनन्या तो जाएगी देख के एंड विराज भी ऑफिस से काम कर रहे हैं एंड मैं घर से काम कर रही हूँ, सो सी यू इन सम टाइम। सो आप 11 तारीख को रक्षाबंधन है, आप सभी को तो पता ही होगा, और मेरे जो बड़े भाई है वो दुबई में है, तो आज मुझे ऐसे याद आया कि यहाँ से अगर मैं वीकेंड में भी राखी भेजती हूँ तो नॉर्मल कुरियर में एक वीक तो लगता है एंड ओवरली रेटेड एक्सपेंसिव वो लोग चार्जेस लगाते हैं बिकॉज फ्लाइट से जाता है नॉल। फिर मुझे याद आया कि अरे यार मैं तो भैया को डायरेक्टली एक्चुअली अमेजोन थ्रू भी भेज सकती हूँ, तो अमेजोन UAE थ्रू कर सकते हैं ऐसा सब, तो इसलिए सोचा कि बेटर है एंड वो एक्चुअली बहुत अच्छा है ऑप्शन। सो देखिए यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कुछ 18 AED का है विच इज़ 360 rupees, नॉट बैड एट ऑल। और यहाँ से अगर मैं एकदम सिंपल, जैसे वो हर बार मुझे बोलता है सिंपल भेजना, सिंपल से सिंपल भी भेजूँ तो वो बहुत ज़्यादा ओवरली चार्ज करता है, तो इसमें तो मुझे जितना मैं इधर पे कुरियर चार्जेस दे सकती हूँ उससे सस्ता, उससे ज़्यादा तो उससे कम में तो मैं और भी कुछ गिफ्ट भी भेज सकती हूँ, तो इसलिए सोचा कि वाई नॉट ट्राई दिस। और ये बहुत ही अच्छा है, UAE का भाई का एक्सेस है मेरे पास, मतलब मैं ऐसे मुझे अगर उधर से कुछ खरीदना है तो उसके घर से डिलीवरी लेके मैं उससे बोलती हूँ लेके आना, बट ये तो राखी तो मैंने बोला ऐसे ही बेचते, तो दिमाग, तो भाई को बोला कि अप्रूव कर देना, उसको थोड़ा स्ट्रेस आ गया था कि कोई मेरे फ़ोन से मैसेज करके उसका अमेजोन ID मांग रहा है, तो मैंने बोला अरे भाई कौन मांगेगा तेरा ID एंड ऑल दैट, मैं हूँ, तो इसलिए उसने कॉल किया, चेक कॉल बैक टू चेक इफ़ आई एम ऑथेंटिकेटेड। तो अब राखी सेलेक्ट करते हैं, उसको एक दो दिखाते हैं कौन सा पसंद है एंड ऑर्डर कर लेते हैं एंड काम तो चल ही रहा है। 8:45 हो गए हैं और मेरा ऑफिस का काम जस्ट ख़त्म हुआ है क्योंकि आज थोड़े कॉल्स थे इसलिए, तो अनन्या का वो उतना टाइम आज बहुत उसने TV देखा है शाम को आके, तो अभी जस्ट होमवर्क के लिए बिठा है। अनन्या को अभी स्कूल में स्ट्रेट लाइंस करने के लिए प्रैक्टिस शुरू हो गया है, तो अभी वो बैठ के कर रही है और ये होमवर्क करने के लिए इतना टाइम पास करती है लड़की। समाउंड मल पर डार्क मल पर वो इत लाइट मल ना तो जूझ बका प्रॉपरली समार्ट है डार्क बोर्ड इंक लाइंस तो जो जिंक लाइंस ये मांडिर दीद मल पर ना तो जूझ जुड़ा निक ये स्ट्रेट लाइंस करवा के लेना बहुत बड़ा काम है क्योंकि अभी भी ग्रिप
काफ़ी ग्रिपिंग पे काफ़ी काम करना है अनन्या के, बट वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इज़ नॉट ईजी. पहले के टाइम में हमारे, मतलब हम जब छोटे थे तभी ऐसे बुक में वो डॉट्स होके आते थे, आजकल के बुक्स में कोई डॉट्स नहीं है, सिर्फ लाइन्स है या पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं पा रहा ऐसे. और टीचर्स ने कहा है कि नहीं तुमको वो डॉट्स बनाना अलाउड नहीं है, यू हैव टू लेट देम डू इट, इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ 4-year-old, बट टीचर्स वॉन्ट टू डू इट एंड इट्स लॉट प्रेशराइजिंग फॉर द पेरेंट. मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो बच्चों से परफेक्ट परफेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम जो भी बन के मिलता है रिमार्क आता है स्कूल से कि शी कैन डू बेटर, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू डू इट बेटर. हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है. फिर ऐसा तू इधर पे प्लेट रहेगा तो ऐसा खाना बराबर मुंह में जाता है तेरा, जाता है ना, जाता है ना, ऐसा नोज के अंदर ईयर्स के अंदर नहीं जाता है ना, नहीं. इधर से खाना डायरेक्ट मुंह में जाता है, इधर से मुंह में, तो ये लिखने का टाइम इधर से इधर नीचे क्यों नहीं जाता है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ही है फ्रॉम हियर टू योर माउथ, देन व्हाई देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेड ब्लू ब्लू. फिनिश हो गई है. एक चुप कर दे रहा, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़, चलो फास्ट. बैटरी फिनिश वो मैं देख लेगा, तू तेरा काम कर, चल जल्दी. लाइट लगा दीजिए. सो अनन्या सो गई है ऑलरेडी, विराज बैठ के कुछ ऑफिस का काम कर रहा है क्योंकि उनको सैटरडे मतलब कल रात को जाना है मैंगलोर, और मेरा तो वीक ख़त्म हो गया है, अब मैं सोऊंगी. और अब बज चुके हैं, इतने देर बैठ के जस्ट ऐसे ना विराज बातें कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया. कल तो पक्का वर्कआउट के लिए जाना है, आज नहीं गई मैं, आज सो गई थी क्योंकि अनन्या को स्कूल नहीं थी तो मैं भी नहीं उठी जल्दी, तो मैं सो गई. तो कल जाना है मुझे वर्कआउट के लिए क्योंकि सैटरडे उसको जिम बहुत देर तक ओपन नहीं होता, तो जल्दी जाना पड़ेगा. तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग करते हैं समाप्त, कल वापस मिलेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड